6 घंटे ट्रैक करके ऊपर जाना है टू सी टाइगर नेस्ट। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तू नहीं चुराया मेरा दिल का चैन। यो अल्लाह कर मदद, अगर भूटान आए और टाइगर नेस्ट नहीं आए तो फिर भूटान आए क्यों, ये बताओ। चीयर्स। हेलो नमस्कार, मैं कमल अंबर है, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुसैन खान, वेलकम टू माय यूरोप चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पारो भूटान। आज का दिन जो है वो बहुत ही स्पेशल डे है, अगर भूटान में आते हो तो ये चीज करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ऐसी खूबसूरत चीज देखने जा रहे हैं जिसके लिए एफर्ट्स भी वैसे ही लगेंगे, आज मजे भी सबसे ज्यादा आने वाले और पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। भाई सो क्या हुआ, हम लोग आए, लिफ्ट का बटन दबाया और मैंने बोला यार मेरे को वॉलेट लेना है और मैं ऊपर चले गया और जैसे बाहर आके दरवाजा हम बंद कर रहे थे लिफ्ट पर लाइट पर फंस जाते हैं, बच गए। फ्रूट्स समझ में आया, कॉर्नफ्लेक्स समझ में आ गया, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स को खाएंगे किससे, ये दूध नहीं है, हमको लग रहा था दूध है, ये तो दही है। हाँ भाई दही से खाया कभी कॉर्नफ्लेक्स, ट्राई करना है। नहीं नहीं तू ट्राई कर। नहीं आज हमें खाना तो पड़ेगा क्योंकि आज बहुत ज्यादा एफर्ट अपने लगेंगे, बिकॉज आज हमें 6 घंटे ट्रैक करके ऊपर जाना है टू सी टाइगर नेस्ट। व्हाट इज दैट फॉर ब्रेकफास्ट? उपमा। टू हैव दिस वी नीड मिल्क। या वी हैव सर। गुड मॉर्निंग, हाउ वाज योर नाइट? Not good. What? The same thing. I slept at 3 and woke up at 6. Let's finish up Tiger Nest fast. हाँ। You can take a rest. ये रही हमारी बाइक, जगाने का टाइम आ गया इनको। हिमालयन सूट तो होती है मेरे, ये हिमालयन के वैसे ही अपना एडवेंचर टूरर बाइक का चस्का लगा था। नॉर्थ ईस्ट राइड, सुंदर सुंदर बिल्डिंग, और यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 माला, उसके ऊपर नहीं है, ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। मे बी शायद वो अर्थक्वेक वाला सीन हो सकता है यहाँ पर, वो अर्थक्वेक वाला सीन है या क्या सीन है वो अपने को पता नहीं, बट मैं बस ऐसे गेस कर रहा हूँ। पहाड़ों में यूजली अर्थक्वेक्स होते हैं, नेपाल में तो कितने बड़े बड़े अर्थक्वेक्स हुए हैं। राइट वे, मस्त वेदर है यहाँ का। ये देखिए और एक लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर से ज्यादा मेरे को यहाँ पर लैंड क्रूजर दिख रही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भूटान, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। गाय रास्ते में है, यहाँ पर रास्ते में जानवर भी है। सो यहाँ के लोग बुद्धा की टीचिंग को ना बहुत सीरियसली लेते हैं, जिंदगी में खुश रहना मोक्ष पाना यही उनकी टीचिंग है, इसीलिए इस कंट्री को हैप्पीएस्ट कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ का पॉपुलेशन आप गेस करें कितना होगा, 7.5 लाख या 8 लाख के बीच पूरी कंट्री का पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ पर एक गाँव में इतनी पॉपुलेशन मिल जाएगी, गाँव नहीं मतलब एक टाउन में मिल जाएगी। मुंबई की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज्यादा है। आज है हमारा द लॉन्गेस्ट डे, क्योंकि आज हम बाइक भी चलाएंगे, आज हम ट्रैक भी करेंगे। ओ माय गुडनेस, बच गया भाई, बच गया। ये माइक मैंने यहाँ लगा के रखा था और ये गिर के सीधा यहाँ अटका, नुकसान हो जाता। लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा राइस फार्मिंग हो रही है। तो हमारे बाइक की जर्नी खत्म होती है, अभी होगा ट्रैक। यहाँ आने से पहले हमने एक ट्रैक और किया था चिंचोटी वाटरफॉल में, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, अभी थोड़ा हम उसी जोन में हैं। ये बेस एरिया जहाँ पर सारी गाड़ियाँ पार्क होती है, एंड देन इसके बाद लोग ऊपर जाते हैं ट्रैक करके। यहाँ पर हमें पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, यहाँ से कोई निकला तो मिल गई, और इससे मुझे ऐसा लग रहा है इतनी गाड़ियों को देख के कि सुबह सुबह काफी लोग ऊपर जा चुके हैं। वो ऊपर वही है टाइगर नेस्ट। ठीक है, फिर जैकेट रख देंगे हम। आज हमारी गाड़ी एकदम खाली है, सिर्फ पानी है गाड़ी में। काशी कह रहे थे कि 3 घंटे का ट्रैक होगा, अब 3 घंटे का ट्रैक करने से पहले थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे। ओह बॉय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैक शुरू हो गया है, अभी सुबह के 9:31 हो रहे हैं भूटान के टाइमिंग हिसाब से। यहाँ पर खच्चर है, खच्चर के साथ भी लोग ट्रैक करते हो जैसे केदारनाथ में होता है, और यहाँ पर चढ़ने के लिए वो स्टिक भी है वहाँ पर, तो स्टिक लेके भी जा सकते हैं, बट हम जाएंगे अपने पैरों से, वहाँ जाना है हमें। वहाँ जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो हमारे कल्चर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। भूटानीज में क्या कहते हैं? थोड़ा स्लो स्लो बोलो ना। तू भी बोल दे। यहाँ पर लोग ये खच्चर लेके भी जाते हैं, लेकिन वो फोन ही आपको मंदिर तक लेके नहीं जाएगा। अच्छा, सिर्फ आधा रास्ता और कैफे का बाद फिर चल के जाना पड़ेगा। दिख गया क्या? दिख गया पीटल काला वाला एक है ना पीटल, उसके आगे के जो तो दो एंटीना बने हुए हैं वो तो काटने के लिए बने हुए हैं। ओए मां, ऑल गुड ब्रो,
मेरे ख्याल से अभी तक हमने 30% कंप्लीट किया होगा। जैसे हम नीचे से ऊपर ट्रक करते हैं ना, तो जगह जगह पर ऐसे बेंचेस बने हुए हैं जहाँ पर बैठ के यू कैन रेस्ट पेड़ के नीचे। मैं ना इंटरनेट पे पढ़ रहा था कि भूटान में 60% लैंड जो है उस पर फॉरेस्ट होना चाहिए। क्या बात करो, 72%? बात करने भी नहीं हो रहा है। पहले सांस ले लेता हूँ मैं, फेफड़ों में ना थोड़ा हवा घुसा लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। ऑक्सीजन चाहिए। लड़के को शॉर्टकट मारना होता है सिर्फ यहाँ से हो क्यों? इतना छोटा शॉर्टकट, पैसा कमाया नहीं बनाया जाता है। कुछ लोग ऊपर से ट्रैक करके नीचे आ रहे थे और उनकी एज काफी थी, मेरे ख्याल से 60-70 के ऊपर होगी, और उनको देख के ऐसा लगा कि भाई सेहत बनानी पड़ेगी। अभी जिस तरह से चल रहे वैसे ही चलते रहना तो 60-70 में अपना गेम ओवर हो जाएगा, मेरे को लंबा चलना है। लेकिन वही है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो बीच बीच में हम ऐसे ट्रैक कर लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम चिंचोटी वाटरफॉल में किया, फिर वैली ऑफ फ्लावर्स याद आया हमें कि उसका व्लॉग तो हमने डाला ही नहीं, क्योंकि अभी पहाड़ों में आ ही गए हैं, तो सोचते हैं कि उसको डाल दिया जाए या ना डाला जाए, लेट मी थिंक। लेकिन बहुत जल्द वो वीडियो आपके लिए आ जाएगा। पहले हमने सोचा था कि उत्तराखंड जाएंगे, उसके बाद आपको वो व्लॉग देंगे ताकि थोड़ा रिलेटेबिलिटी आ जाए, बट अब काफी टाइम हो गया। वो जो व्लॉग है ना उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है भाई। क्या बनाया था हमने यार, उसको क्या मेहनत की थी। वी कांट वेट टू शेयर इट विद यू गाइस। या अल्लाह कर मदद। अगर हम उस कैफे में पहुंच जाएंगे तो हमारा आधा रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। अब वहां तक पहुंचने के लिए ऐसे होके रास्ता है। ओ, इसका नाम क्या है? मैकफाई। हेलो मैकफाई। उसका दोस्त भी आया लड़ाई करने के लिए, बोला मेरे को भी खाना दे, अकेले अकेले खा रहा है ब्रो। ये उसका बच्चा है। ओ फाइनली आधा रास्ता हमारा हुआ कंप्लीट, और यहाँ से हम टाइगर नेस्ट भी देख सकते हैं। ये कैफे है, यहाँ पर हम कुछ खाएंगे पियेंगे बैठेंगे, और सामने देखो रेगुलर टी, हाँ ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी। हेलो, आर यू गाइस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? नाइस। नो, सो हाउ इज द ट्रैक सो फार? गुड, क्या व्यू है भाई, यहाँ यहाँ बैठ के सामने टाइगर नेस्ट, ये बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। दो पल के लिए आप सभी लोग इमेजिन करो कि आपके सामने ये पेस्ट्री है जिसे इक्लेयर कहते हैं, अमेरिकानो, कैमरा है, पानी है, और सामने ये टाइगर नेस्ट का व्यू। मजा आया इसी बात पे लाइक ठोको। ये बिना बारिश के रेनबो कैसे दिख सकता है, हैं? क्या लॉजिक है? लॉजिक नहीं, मैजिक कैसे? मैजिक ही लग रहा है। हो गया हमारा खाना पीना जो भी था यहाँ पर, अभी थोड़ा ज्ञान का आदान प्रदान कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये टाइगर नेस्ट, और लगभग 8-9 और मॉनेस्ट्री होंगे इसके आसपास। अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, वो भी एक ऊपर एकदम टॉप पे आपको दिख रहा होगा। ये टाइगर नेस्ट के पीछे बाजू भी एक मॉनेस्ट्री है, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता बट लगभग 8-9 होंगे। तो हम यहाँ बैठे हुए थे, व्यू का मजा ले रहे थे। यहाँ से इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर वैली का व्यू है, और यहाँ से एक अभी प्लेन उड़ता हुआ हमें दिखा था, शूट नहीं कर पाए बट दिखा था, ऐसे माउंटेन के बीच में से ऐसे जाते हुए। लेट्स गो, आधी और जर्नी बची है हमारी। तुरु। और जा शुरू। आप जब व्लॉग में आते हैं ना, हाँ जी, तो वो लोगों को पसंद आ रहा है, ऐसे है जी। हाँ, तो आप व्लॉग में आते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत प्यार मिल रहा है आपको हिंदुस्तान में। थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव। तो एक आपसे सवाल, ये जो मॉनेस्ट्री है इसे टाइगर नेस्ट क्यों कहते हैं? यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू अबाउट अ पर्सन कॉल्ड लोटस बॉर्न गॉड। हाँ हाँ, सो ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू वन ऑफ हिज 8 मैनिफेस्टेशन नोन एज गुरु दोर्जी डोलो, एंड हिज स्पिरिचुअल कंपेनियन शी ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ इनटू टाइगरेसेस, एंड दे फ्लू all the way from eastern part of Bhutan to this location. So hence, a tigress, it flew. The name was given as tiger's nest. हम लोग को local में we call it as taktsang. So ta means tiger, tsang means nest. जो कोई भी guest Bhutan में जब आता है, तो highlight Bhutan का। अगर Bhutan आए और tiger nest नहीं आए, तो फिर Bhutan आए क्यों? ये बताओ। यहाँ आना double compulsory। आसमान में सिर्फ इतने पैच में दिख रहा है रेनबो, और हमारे मिस्टर दौर जी कह रहे हैं कि हम टाइगर नेस्ट जा रहे हैं, तो उसकी शायद ब्लेसिंग है ये। यस, प्रोबेबली, क्योंकि ऐसा कभी मैंने जिंदगी में पहली
कभी नहीं देखा। अगर रेनबो दिख रहा है तो बारिश और धूप का कॉम्बिनेशन में रेनबो बनते हैं, बट अभी बारिश नहीं हो रही है बट रेनबो है। ऐसे टाइम में वी ऑलवेज यू नो कंसीडर इट एज ऑस्पिशियस सिग्निफिकेंट। यस, ईदर सम ग्रेट मास्टर्स आर बीइंग बोर्न और यू नो अ ग्रेट एनलाइटेंड बीइंग हैज अटेंडेड निर्वाणा। ओह, दिस इज व्हाट वी बिलीव। स्पाइडरमैन क्यों नहीं चुराया है मेरा दिल का चैन। वो चीज़ है कैसा है हाल चाल सबका? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। कैफिनेटेड। अभी तक का कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया, हम मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं। तो अब तक जितना भी हमने ट्रैक किया, ट्रैक करते करते हमने देखा कि रास्ते काफी साफ सुथरे हैं, कचरा फेंकने के लिए प्रॉपर कचरा डब्बा भी है। अच्छा खासा एक्सरसाइज हो गया हमारा, बट वेदर बढ़िया है तो इस वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जो हमने चिंचोटी वाटरफॉल वाला ट्रैक किया था उस टाइम पे बारिश तो हो रही थी बट वेदर गर्म था, तो जिस वजह से बहुत पसीने निकले थे। यहाँ पर भी निकल रहे बट ऐसा मैनेजेबल है आई गेस। ये पहली मॉनेस्ट्री हमें दिखी। ओ बॉय, पहुंच गए फर्स्ट व्यू पॉइंट पे। हमारे ताशी भाई कह रहे हैं कि नीचे से और एक बेहतरीन जगह है जहाँ से बहुत क्लियर व्यू दिखता है, तभी हम वहाँ जाएंगे। So, पहले हम नीचे थे और नीचे से आपको ऊपर दिखा रहे थे जूम करके, अभी हम ऊपर हैं, आपको ऊपर से नीचे दिखाएंगे जूम करके। वो कैफे है जहाँ पर हम खाए थे और वो नीचे एकदम जहाँ से हम ऊपर आए थे। ऑलराइट, हमारे मिस्टर ताशी व्यू का मजा लेते हुए यहाँ से। ओह यस, दिस इज द व्यू। ओह फाइनली, लेट्स हैव अ विक्ट्री डांस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्वैग, दूसरा म्यूजिक, तीसरा डांस। भाई 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 नागिन आया, तुम नीचे तुम नीचे। बस 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 नीचे भी करना है। हेलो हाय, तुमने बहुत अच्छा जगह चुना है सोने के लिए, बहुत अच्छा जगह भाई। यहाँ से देखो व्यू, कितना ट्रैक किया आज। सोने तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिस्टर्ब ऐसे कर दिया हमने लेकिन ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप लोगों ने जितने लोगों की भी फोटो देखी होगी टाइगर नेस्ट की, वो सारी फोटो खींची जाती है लगभग यहाँ से। यहाँ पर अगर आप फोटो खिंचा रहे हो तो ये जरा पढ़ लें, प्रॉपर कपड़े पहन के ही आप फोटो खींचेगा। यहाँ पर जितना चाहे उतनी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो, लेकिन एक बार मॉनेस्ट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ अलाव नहीं है। आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सारे के सारे आपको बैग में रख के वहाँ पर लॉकर में रखना होता है। इसके आगे हम नीचे तक आपको दिखा पाएंगे, मॉनेस्ट्री का फिर आपको कुछ नहीं दिखा पाएंगे। हेलो हाय, मैंने अभी तक जहां पर भी ट्रैक किया है ना, वहां पर एक डॉग होता है जो आपके साथ ऊपर तक आता है और वो नीचे तक आता है। तो यहाँ पर भी सेम वही कल्चर है, जैसे लास्ट टाइम हम लोग जो वाटरफॉल पर ट्रैक किए थे वहां पर भी एक डॉग था, वहां पर तो दो थे, मियां बीबी। एक का नाम हमने बिडू रखा था और एक का नाम क्या रखा था? विजरले। ठीक है, कितना प्यारा है माउंटेन डॉग्स। ये कल्चर हर जगह पे, ये मतलब ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कुछ, ऐसा कहीं नहीं, बस ऐसे ही। क्या चाहिए तुझे जिंदगी में? ओनली लव और थोड़ा सा खाना, दैट्स इट। चलो के बाय। और अगर मॉनेस्ट्री जाना हो ऐसे नीचे उतर उतर के फिर वहां से ऊपर चढ़ के वहां जाना है। कैसे बनाया हुआ सोचो, जो रॉ मटेरियल है बनाने के, वुड सीमेंट या जैसे भी बनाया होगा, वो कैसे यहाँ पर ऊपर तक लाए होंगे, इनक्रेडिबल। Alright boys and girls, वापसी जर्नी शुरू हो चुकी है। तूने चालू किया था क्या? क्या? क्या था? क्या देख, क्या इसका स्टेटस क्या? 4.3 किलोमीटर 4 आवर्स। 1 किलोमीटर 1 घंटे में। हम लोग चिल भी कर रहे हैं ना, शूट भी कितना कर रहे हैं। हम आम नहीं है, हम एप्पल है, एप्पल फोन से शूट भी करना पड़ता है। और अगर आम है तो वो भी आपूस वाला आम है, रत्नागिरी वाला। देवगढ़ इस बार नहीं गए यार,
नेक्स्ट ईयर। उतरते उतरते हमें एक साथ ही मिल गया जो हमारे साथ नीचे उतर रहा है, बहुत फास्ट भाग रहा है। इसका क्या नाम रखेंगे बता? जिम्बो। जिम्बो जिम्बो मटक मटक के चल रहा है उसका, मटक ली नहीं जली जली, क्योंकि जब जली मटकता है तो ऐसे ही मटकता है। जली जली ए जली, बहुत घाई है जली को, सेक्सी चाल है उसकी। ये पहुंच गए फर्स्ट कैफे, आधा रास्ता हम पहुंच गए, ठंडा ठंडा कुछ पियेंगे। चढ़ते वक्त हमें पूरा जो ट्रैक था लगभग हमें उसमें 3 घंटा लगा, और उतरते वक्त हमने आधी जर्नी 20 मिनट में कंप्लीट कर दी। का मतलब क्या होता है, सब लोग एकदम फिट है। हाँ सब फिट है, चढ़ते वक्त थोड़ा क्या ना प्रेशर आता है जांघों पे, तो उसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। उतरते वक्त थोड़ा वो ऑयलिंग करनी पड़ेगी वहाँ पर, इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा घुटनों का, घुटना ऑयल। Cheers! Cheers! Everyone to Tiger Nest. Tiger Nest. To Bhutan, to this beautiful trip. और हमारे साथ जो खूबसूरत लोग हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी कंपनी दी, उसके लिए भी thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you to Mr. Doji. Doji, young leader. Yes. Yeah. नीचे उतरते टाइम हमने एक दूसरा रास्ता लिया जंगल से होके, और हमारा चीता। ओए चीते स्पीड को क्या हो गया? चीता भीगी बिल्ली बन गया है। ये काफी स्टिफ है, not recommended. बट अगर ट्रैक करते हो तो फिर आ सकते हो। यहाँ के लोकल लोग हैं जो कैफे में सामान पहुँचाते हैं, वो लोग यहाँ से आते हैं, एकदम शॉर्टकट है। अरे बस चल रहे और क्या, मेरा जोडियक साइन यहाँ पर भूटानीज में मंकी है ना, शिप है, शिप शिप है, तो शिप लोग तो पहाड़ों में चढ़ते रहते हैं। वापस आ गए, हमने शुरू किया था अपनी जर्नी 9:30 बजे और अभी हो रहे हैं 2:45। लगभग हमने अपनी जर्नी 5 घंटे 5 मिनट समथिंग में कंप्लीट किया। भाई टू को ताली, मजा आ गया, अच्छा खासा एक्सरसाइज हो गया। वाह, जो ट्रैक है ना सिंपल नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, है थोड़ा सा हिम्मत ताकत और मेहनत लगेगी ऊपर तक पहुंचने के लिए और नीचे आने के लिए। हमारे टू व्हील से हम मोटरसाइकिल के टू व्हील पे आ चुके हैं। ओ बॉय क्या ठंडा ठंडा हवा लग रहा है। नीचे उतरते उतरते काफी पसीना हो गया था तो मैंने जैकेट नहीं पहना, बट जो ठंडी हवा है वो मस्त लग रही है, लेकिन ये ज्यादा लगेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ठीक है अभी हवा खा लेते हैं। क्या एडवेंचरस डे था यार, क्या एडवेंचरस डे था, प्योर ट्रैवल इंफॉर्मेशन हिस्ट्री कल्चर ट्रेडिशन। बस व्लॉग में ड्रामा नहीं है, हेट नहीं है, सिर्फ प्यार है, और जितने भी लोग प्यार वाले मोहब्बत वाले व्लॉग बना रहे ना उनके व्लॉग चलते ही नहीं है, ये अफसोस की बात है। बट एनीवे हम प्यार बांटते रहेंगे, प्यार परमानेंट है, हेट स्ट्रॉन्ग है बट टेम्पररी है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यू नो पूरा एफर्ट देके क्रिएटर्स व्लॉग बनाते हैं और जब व्यूज़ नहीं आते तो फिर थोड़ा सा दुख तो होता है। ज़्यादा दुख तब भी होता है जब कोई क्रिएटर है वही कुछ बना रहे हैं और उसको व्यूज़ आ रहे हैं, फिर हमको लगता है कि यार हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, हमें भी यहीं वही कुछ बना देना चाहिए, बट नहीं। अरे गधे हटते ही नहीं है गधे। इसलिए तो गधे हो। इस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट में हम खाएंगे हमारा लंच। ताशी आप जो कह रहे थे माउंटेन कैफे वो यही है? नहीं, वो रात को जाएंगे, शाम को जाएंगे। ओके, राइस इज कंपलसरी, दाल इज आल्सो कंपलसरी, बटर चिकन नॉट कंपलसरी बट यू कैन हैव इट। लड़का बड़ा अच्छा है, बस एक ही बुरी आदत है प्याज खाता है। जिंदगी में अगर आपको कुछ है पाना तो सबसे पहले खाना पड़ेगा खाना। वाह वाह, चलो फिर फिनिश इट, फिनिश फिनिश। यह हुई ना बात, राइस खा के जो एनर्जी आती है ना मुझे, मैं बता नहीं सकता। एनर्जी के साथ साथ थोड़ी सी नींद भी आती है और थोड़ा सा नशा भी होता है, तो अभी वही फेज में हूँ मैं, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अरे जहाँ दिल में सफाई रहती है, जहाँ होठों पे सच्चाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। फिर से हम पहुँच गए पारो, द ब्यूटीफुल पारो, सिस्टमैटिक पारो। यार सिग्नल नहीं है इस कंट्री में यार, बताओ तो। पहुंच गए अपने होटल रूम, अभी पता है मैं क्या करूंगा, कपड़े उतारूंगा, मस्त पे की गर्मा गर्म पानी से चटके लेके नहाऊंगा, एंड देन फिर एडिटिंग पे बैठ जाऊंगा, फिर उसके बाद में हम खाना खाने जाएंगे। 6:30 ऑलराइट, तो टाइम हो रहा है 10:03, अभी हम गए थे खाना खाने के लिए माउंटेन कैफे और थोड़ा सा टहलने वहलने के लिए गए थे, मजा आया क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था। और इंडिया में पहली बार हो रहा है मोटो जीपी, और उस मोटो जीपी में वीआईपी पास के साथ हम होंगे वहां। भैया कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मोटो जीपी का वीआईपी पास लेके बैठे हम, मतलब यहाँ हम तो मजे ले ही रहते हैं, यहाँ से जैसे ही हम मुंबई जाएंगे वहां से सीधा निकल जाएंगे मोटो जीपी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट दिल्ली। क्या ही हो रहा है, क्या ही हो रहा है, बाकी सब एकदम बढ़िया। वी आर लिविंग अ लाइफ, लिविंग अ ड्रीम। बूम बूम। राइस फार्मिंग हो रही है,
लेफ्ट साइड में अभी छोड़ गया, लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा। यहाँ पर हम जितना भी फोटो खींच, यहाँ पर जितना भी फोटो, यहाँ पर कितनी, यहाँ